गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज की जो वीडियो है मैप का पार्ट सेकंड। पिछली बार मैप हम लोगों ने देखा, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया कि मैप किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है, कैसे मैप के क्या टाइप्स होते हैं और क्या मैप के क्या कंपोनेंट्स है। तो उसी कंपोनेंट्स के अंतर्गत हम देखेंगे सिंबल्स। वैसे तो मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ थोड़े से सिंबल, थोड़ा सा मैं उसको और डिस्क्राइब करना चाहूँगी कि सिंबल्स क्या होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जो सिंबल्स रहता है वो किसी भी मैप को रीड करने में काफ़ी सरलता प्रदान करता है, यानी कि सिंबल से हम किसी भी मैप को बहुत ईजिली रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे रेलवे लाइन। रेलवे लाइन के लिए क्या है मैप, कन्वेंशनल साइन क्या है, इस टाइप से मीटर गेज, इस टाइप से रेलवे स्टेशन को इसे ऐसे डिनोट हम करेंगे। इसी प्रकार से रोड में मेटल्ड रोड, अनमेटल्ड रोड, और बाउंड्रीज में ये इंटरनेशनल बाउंड्री है, ये स्टेट बाउंड्री है, ये डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है। रिवर को हम शो करेंगे इस टाइप से, या फिर आप इस टाइप से भी शो कर सकते हो। वेल को हम शो करेंगे इस टाइप से। टैंक को, ये टैंक का सिंबल है, ये कैनाल का सिंबल है, ये ब्रिज का सिंबल है, ये टेंपल का सिंबल है और ये सेटलमेंट का सिंबल है। इस प्रकार से और भी बहुत सारे सिंबल्स रहते हैं, जैसे आपका ट्री का सिंबल हो जाएगा, ट्री बना के आप डिनोट कर सकते हो, गार्डन का सिंबल हो जाएगा, उसके बाद घास का सिंबल हो जाएगा, घास का सिंबल हो जाएगा, ये घास का सिंबल हो गया। तो इन सब चीज़ों से हम मैप को बहुत ईजीली रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्केच। स्केच क्या होता है? स्केच इज ए ड्रॉइंग मेनली बेस्ड ऑन ए मेमोरी एंड ए स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल। स्केच जो रहता है एक मैप का ही एक रूप रहता है, लेकिन इसे रफली ड्रॉ किया जाता है। जैसे कि आप अगर स्कूल से घर तक का आप अगर मैप बनाते हो तो बगैर स्केल के बनाओगे, उसमें आप मीटर, किलोमीटर, मतलब कुछ भी चीज़ डिनोट नहीं करोगे। एक रफली डायग्राम जो आप बनाओगे वो क्या होता है, वो स्केच कहलाता है। नाउ प्लेन। ए प्लेन इज अ ड्रॉइंग ए स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल। प्लेन क्या होता है, हम छोटी सी जगह को जब पूरी तरीके से डिस्क्राइब करेंगे मैप के जरिए तो वो प्लेन कहलाता है। जैसे मान लो आपका एक छोटा सा गांव है, जब आप इंडिया के मैप में अपने गांव को देखने जाओगे तो आपका गांव शायद उसमें नहीं दिखेगा, है ना। तो जब अपने गाँव को आप लार्ज तरीके से, बड़े तरीके से जब आपको शो करोगे तो आप हर चीज अपने गाँव की डिनोट करोगे कि तालाब कहाँ है, खेत कहाँ है, गांव में मंदिर कहाँ है, या फिर और भी जो भी इम्पोर्टेंट प्लेस होती है वो कहाँ है। तो जब इस प्रकार का डायग्राम बनाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, प्लेन कहा जाता है। आप कह सकते हो जो प्लेन जो रहता है वो एक छोटी जगह का, एक छोटे एरिया का बहुत बड़ा लार्ज स्केल मैप तैयार किया जाता है, तो ये मैप हो जाता है। तो देखा आपने कि किस प्रकार से मैप इम्पॉर्टेंट है। और भी मैप में तो वैसे और भी बहुत सारी चीज़ें, आप चाहो तो एटलास खरीद के ला सकते हो, मैप को देख सकते हो। आप इंडिया का मैप देख के या फिर डिस्ट्रिक्ट का मैप देख के आप डिनोट करो कि आप किस स्टेट में रह रहे हो, किस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो और किस गांव में रह रहे हो, तो आप ये ऑब्जर्व जरूर करना। तो ये चैप्टर स्टूडेंट्स यहीं पर मैं ख़त्म करती हूँ, फिनिश करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।